नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम मंडी भाव और मौसम तो देखेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि सिंचाई के किन बेहतर तरीकों को कृषि के कार्य में प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। केंद्र सरकार का प्याज का बफर स्टॉक बनाने का विचार। सुगंधी एवं औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देगा सीमैप। 160 लाख टन वनस्पति तेल के आयात की संभावना। मंडियों में मौजूदा समय में गेहूं की आपूर्ति बढ़ी। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह और अब खबरें विस्तार से। देश में इस साल प्याज के दामों में बढ़ोतरी न होने पाए, इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय प्याज का बफर स्टॉक बनाने का विचार कर रहा है। सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा होगा। देश में इस साल उत्पादन में आई कमी के चलते दालों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई और केंद्र सरकार को दाल के दामों को नियंत्रित करने के लिए दालों का आयात करना पड़ा। दालों की स्थिति से सबक लेते हुए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय इस साल प्याज का उत्पादन काफी ज्यादा होने के बावजूद प्याज का बफर स्टॉक बनाने के बारे में विचार कर रहा है। पिछले साल प्याज उत्पादन कम होने से प्याज के दाम 80 रुपए किलो से पार चले गए थे। इसके दामों को नियंत्रित करने के लिए प्याज का आयात करना पड़ा था। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस बार प्याज का उत्पादन बेहतर हुआ है, प्याज के दाम भी नीचे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को प्याज के सही दाम मिले और प्याज के दामों में बढ़ोतरी न होने पाए, इसके लिए सरकार ने सीधे किसानों से 2300 टन प्याज खरीदा है और इसका बफर स्टॉक बनाने पर विचार कर रही है। प्याज का बफर स्टॉक 900 करोड़ रुपए के कीमत स्थिरीकरण फंड यानी PSF का उपयोग करके बनाया जा रहा है। पौधों पर आधारित सुगंध एवं औषधीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने एरोम व फाइटोफार्मास्यूटिकल मिशन की कमान केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान यानी CMAP को सौंपी है। केंद्र सरकार की पहल पर देश में सुगंध एवं औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हो गए हैं। पौधों पर आधारित सुगंध एवं औषधि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने एरोमा व फाइटोफार्मास्यूटिकल मिशन की कमान केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान यानी CMAP को सौंपी है। CMAP के निदेशक प्रोफेसर AK त्रिपाठी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन व परंपरागत खेती से जुड़ी समस्याओं के कारण किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी दशा में सुगंध एवं औषधीय पौधों की खेती से उन्हें बेहतरीन लाभ हो सकता है। इसके लिए CMAP किसानों को सुगंध एवं औषधीय पौधों की खेती के बारे में बेहतर जानकारी देकर उन्हें इसकी खेती के लिए प्रेरित करेगा। इस काम में CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशालाएं CMAP, NBRI, IITR व CDRI के अलावा IIIM जम्मू, IHBT पालमपुर, उडीप पुणे व नीस्ट जोरहट मिलकर सुगंध एवं औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों की मदद करेंगी। ये संस्थाएं कृषि प्रौद्योगिकी के विकास, प्रसार, प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट व मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कार्य करेंगी। देश में तिलहन के उत्पादन में आई कमी के चलते वर्ष 2015-2016 नवंबर से अक्टूबर के दौरान 160 लाख टन वनस्पति तेल के आयात की संभावना है। तिलहन उत्पादन में कमी और खाद्य तेलों की मांग अधिक रहने से भारत को हर साल खाद्य तेलों का आयात करना पड़ रहा है। देश में मांग के अनुरूप खाद्य तेलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015-16 नवंबर से अक्टूबर के दौरान 160 लाख टन वनस्पति तेल के आयात की संभावना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी SEA के अनुसार वनस्पति तेल का आयात वर्ष 2015-16 के दौरान 9.51% बढ़कर 160 लाख टन के करीब पहुंच सकता है। वर्ष 2014-15 में नवंबर से अक्टूबर के दौरान 146.1 लाख टन वनस्पति तेल का आयात किया गया था। SEA का मानना है कि 2015-16 में खरीफ और रबी का कुल तिलहन उत्पादन 318.16 लाख टन रह सकता है, जो 2014-15 के कुल उत्पादन 336.79 लाख टन से कम है।
तेल के भारी आयात की संभावना को देखते हुए एससीए का यह भी कहना है कि कारोबार के समान अवसर के लिए सरकार को कच्चे तेल और रिफाइंड तेल के बीच आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर देना चाहिए, जिससे किसानों के हितों की सुरक्षा हो सके। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में मौजूदा समय में गेहूं की आपूर्ति बढ़ी हुई है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार मौजूदा समय में मंडियों में गेहूं की आपूर्ति पिछले साल की समान अवधि से ज्यादा हो रही है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार मौजूदा समय में देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की आपूर्ति बढ़ी हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की मंडियों में गेहूं की आपूर्ति में तेजी आई है। भारतीय खाद्य निगम के एक अधिकारी के अनुसार अब तक इन राज्यों में 99,857 टन गेहूं की आपूर्ति हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 51,756 टन गेहूं की खरीद हुई थी। पंजाब में गेहूं की आपूर्ति सबसे अधिक हो रही है। अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों से पंजाब की मंडियों में रोजाना 1,500 से 25,000 टन गेहूं की आपूर्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी गेहूं की पैदावार अच्छी होने से यहाँ की मंडियों में भी गेहूं की आपूर्ति में तेजी आ रही है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार इस बार पैदावार अच्छी होने से गेहूं की खरीद काफी बेहतर होने का अनुमान है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर में बादल छाए रहने व हिमाचल व उत्तराखंड के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। देश के उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम में बादल छाए रहेंगे व असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश के आसार हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में छुटपुट बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक व तमिलनाडु में बादल छाए रहने व केरल में बारिश होने की संभावना है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कृषि कार्यों के लिए सिंचाई के किन किन बेहतर तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पानी की बूंद बूंद को प्रयोग में लाया जा सके। बने रहिए कृषि दर्शन पर। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब जानते हैं कि सिंचाई के लिए पानी की बूंद बूंद को किन किन आधुनिक तरीकों से कृषि के कार्यों में प्रयोग में लाया जाए, जिससे आपको खेती में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश भारत में लोगों की आजीविका का मुख्य माध्यम खेती है। ऐसी स्थिति में खेती की उन्नति के बिना देश की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। आजीविका का मुख्य माध्यम होने के बावजूद खेतों को पानी न मिलने से किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का करीब 78% भाग मानसून पर निर्भर है। यदि मॉनसून साथ ना दे तो फसलों को बचा पाना मुश्किल होता है। किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में पानी का भरपूर उपयोग होना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अमल में लाकर पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। क्या है ये योजना और कैसे इसे वास्तविकता में लाकर पैदावार को बेहतर किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वरिष्ठ वैज्ञानिक नीलम पटेल। तो आइए इनसे लेते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारे ज़्यादातर लोग गांव में कृषि पर निर्भर रहते हैं और सिंचाई का जल कृषि में एक महत्वपूर्ण इसका रोल है। अगर हमारे किसान भाइयों को समय पर सिंचाई का जल उपलब्ध हो तो जितनी उनकी पैदावार है इससे दोगुनी होने की संभावना रहती है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर आप अपने आंकड़ों को देखें अपने देश में, तो जितने भाग में हमारे देश में खेती होती है उसमें सिर्फ उसके आधे क्षेत्रफल में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बाकी आधा क्षेत्रफल हमारी बरसात के पानी पर निर्भर रहता है। अब आप ये देख लीजिए, जो हमारा क्षेत्रफल बरसात के पानी पर निर्भर है वहाँ पर हमारे किसान भाइयों की फसलें पूरा मौसम पर निर्भर रहती हैं। अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो हमारे किसान भाइयों की फसलें ख़राब हो जाती हैं और अगर बरसात नहीं हुई तो हमारे किसान भाइयों की तब भी फसलें ख़राब हो जाती हैं। और अगर हम दूसरी बात करें कि जो हमारा सिंचित क्षेत्रफल है, जो लगभग आधा है पूरे क्षेत्र में जो जिसमें कृषि की जाती है, उसका जो आधा क्षेत्रफल है जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, उसमें जो हमारे किसान भाई पानी का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं उसकी सिंचाई के जल की उपयोग की दक्षता बहुत कम है। जल उपयोग की दक्षता का मतलब है कि हम जितना पानी दे रहे हैं उसका कितना भाग हमारी फसलें ले पाती हैं और कितना भाग हमारा व्यर्थ चला जाता है। खेत की सिंचाई में पानी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी का सही इस्तेमाल जहां फसल को फायदा पहुंचाता है, वहीं अधिक या कम पानी फसल को नुकसान पहुंचाता है। पानी का सही उपयोग हो और इसका फसल को फायदा मिले, इसी को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है। पानी का प्रबंधन सही न होने से 2/3 पानी बर्बाद हो जाता है। ट्यूबवेल से होने वाली सिंचाई से पानी की काफी बर्बादी होती है। इससे खेतों के पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं और खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ता है। हर खेत को पानी मिले और हर बूंद का सही इस्तेमाल हो, इसी को ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सिंचाई के पुराने साधन है, जिनका पुराने साधन ना कहूं बल्कि वो साधन जिन पे हमारी परंपरागत तरीके से खेती हो रही है, जैसे कि गांव में क्यारी बनाते हैं, कूड़ बनाते हैं और उनमें सिंचाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका 2/3 पानी आपका व्यर्थ चला जाता है। ये 2/3 पानी नहीं व्यर्थ गया तो गया, इसके साथ जो हमारे किसान भाई अपनी खादें देते हैं वो भी व्यर्थ चली जाती हैं इस पानी के साथ बह के। तीसरा है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे गांव में जो हमारे किसान भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई आजकल कर रहे हैं और हमारे देश में 60% से ज़्यादा आजकल सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से हो रही है। तो ट्यूबवेल में किसान हमारे डीजल और बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे डीजल और बिजली का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें अगर सिंचाई की दक्षता कम है तो हमें अपना ट्यूबवेल ज़्यादा देर चलाना पड़ता है। तो आप ये मान लीजिए, जब हम ट्यूबवेल ज़्यादा चलाएंगे हमारा ज़्यादा बिजली खर्च होगी या डीजल खर्च होगा,
ज़्यादा पानी देने से हमारे जो पोषक तत्व खाद हैं वो भी जड़ के नीचे चले जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। और तीसरा, इन सब की वजह से हमारी पैदावार भी उतनी नहीं हो पाती है। तो इन सब समस्याओं से कि सारे जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं उन सारे किसानों के हर खेत को पानी उपलब्ध हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हमारे सरकार ने किया है। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उन हमारी जो योजनाएं अभी तक किसान भाइयों के लिए थी उनसे थोड़ी अलग हटके है, हमें इसको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सिंगल विंडो सिस्टम से खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय कर किसानों को सहूलियत प्रदान करना है, जिससे वे तालाब बनाकर या टपक सिंचाई के माध्यम से खेतों को सही तरह से सींच सके और बरसात का पानी भी बर्बाद ना हो पाए। अगर आप किसान हैं और आप अपने गांव में एक अपने खेत में आप तालाब बनाना चाहते हैं और उस तालाब में आप पानी को इकट्ठा करना चाहते हैं और उस पानी को इकट्ठा करके आप सिंचाई में इस्तेमाल करना चाहते थे, तो अभी तक क्या होता था कि हमारे किसान भाइयों को तालाब बनाने के लिए एक अलग विभाग जाना पड़ता था। उस पानी का प्रयोग अच्छे दक्ष तरीके से हो, मतलब जो सिंचाई के नए साधन हैं उसका उपयोग करना हो, जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, जिनको हम एक तरह से बूंद बूंद या फव्वारा सिंचाई कहते हैं, उनको लेना है तो उनको किसी और विभाग जाना पड़ता था। और अगर उनको बगीचा लगाना है, कुछ अगर उनको पौधे चाहिए तो उनको अलग विभाग जाना पड़ता था। तो होता क्या था कि हमारे किसान भाइयों को सुविधाएँ लेने के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग जाना पड़ता था। तो इस सब को करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या किया गया है कि किसान भाइयों को हमें सुविधा लेने के लिए जो हमारी सरकार मुहैया करा रही है, इस मुहैया डिफरेंट जो हमारे कार्यक्रम है, जो हमारे विभिन्न योजनाएं हैं, उसमें हमारे किसान भाइयों को इधर उधर दौड़ना ना पड़े, बल्कि एक सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम हो जहाँ पर सारी स्कीम्स या योजनाओं को कन्वर्जेंस या एक जगह हम एक तरीके से सारे किसान भाइयों को लाभ दे सकें। इससे क्या होगा, जो हमारा उद्देश्य है हर खेत को पानी, तो हर खेत को पानी हम तभी उपलब्ध करा पाएंगे अगर हम, पहले तो है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है इसको हम अच्छे से इस्तेमाल करें, दूसरा है जो हमारे बरसात का पानी है इसको हम इकट्ठा करें, तीसरा है कि जो ये बरसात का पानी हमारे पास इकट्ठा हो के आए ये हमारे खेतों तक एक अच्छे तरीके से जाए, चौथा है जब हमारा ये पानी खेतों तक जाए तो ये हमारी पौधों की जड़ों में एक सा जाए। तो ये जो सब चीज़ें हैं या जो सब तकनीकियाँ हैं, इनके लिए आपको बहुत सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो आपका जो पैदावार है वो आपकी बढ़ेगी, और दूसरी है कि आपकी जो गांव में आजकल हमारे लेबर की समस्या या श्रमिक उपलब्ध नहीं है उसकी समस्या से भी आप थोड़ा छुटकारा पा पाएंगे। भारत ड्रिप सिंचाई के मामले में विश्व में अव्वल है। सरकार का प्रयास है कि किसान इस तकनीक को अपनाकर आगे आएं। इस योजना को सफल बनाने के लिए सहकारिता को प्रोत्साहन दिया गया है। अगर किसान संयुक्त रूप से इस पद्धति को अपनाते हैं तो उन्हें सरकार पूरा सहयोग देगी। लोन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान किया जाएगा, जबकि निजी लोन में आधी मदद ही मिलेगी। इसका उद्देश्य सामूहिकता की भावना को बढ़ाना है। अभी MIDH जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो चल रहा है हमारे देश में, इसमें हमारे किसानों को डिग्गी या तालाब बनाने में सहायता प्राप्त है। इसमें भी दो तरह का है। अगर मान लीजिए एक गांव में 5 या 8 किसान है कम्युनिटी बेसिस पे, वो टैंक बनाना चाहते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं देना, 100% अनुदान सरकार से मिलता है। लेकिन अगर मैं अपने खेत में अपना पर्सनल बनाना चाहूं तो मुझे आधा अनुदान सरकार से मिलेगा और आधा पैसा मुझे अपने पास से देना पड़ेगा। लेकिन इस तालाब के बनाने से या वाटर स्टोरेज करने से हमें दो तरह के फायदे होंगे। एक तो है कि हमें जल की उपलब्धता तब होगी जब हमें आवश्यकता है। दूसरा है, इस जो जल हम अपना इकट्ठा करेंगे इससे हमारी ज़मीन में रिचार्ज होगा या ज़मीन में हमारे पानी जाएगा, तो हमारे जल स्रोत जो सूख रहे हैं दिनों दिन, इन पे भी भरपाई होगी और ये हमारे हरे भरे होंगे। परंपरागत सिंचाई से तालाब व कुओं में पानी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, भूजल की क्वालिटी भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में जल संरक्षण जरूरी है जिससे हर खेत को भरपूर पानी मिल सके। इसके लिए आधुनिक तरीकों को अपनाना फायदेमंद होगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जब देश के हर खेत को पानी मिलेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इस योजना का दूसरा उद्देश्य है खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ाना, जिससे पानी की बर्बादी कम की जा सके। इसके लिए हर बूंद अधिक फसल का नारा देकर किसानों को हर बूंद पानी के सही उपयोग की सलाह दी गई है। सरकार की ओर से ड्रिप सिंचाई जैसी योजना भी संचालित की जा रही है। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी NMSA के घटक के तौर पर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के तहत सरकार वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। आप ये देख लीजिए, हमारे देश में प्रतिवर्ष क्योंकि ट्यूबवेल में सिंचाई बढ़ती जा रही है तो हमारे जो कुएं हैं उनका जल स्तर भी नीचे होता जा रहा है। अगर कुओं का जल स्तर नीचे होता जाएगा तो आप कितने दिन और ज़्यादा मोटर हॉर्स पावर की मोटर लगाएंगे? आपने 10 फीट नीचे करेंगे, 20 फीट नीचे करेंगे, लेकिन जब और नीचे करते जाएंगे तो जो हमारा भू जल है उसकी भी क्वालिटी या गुणवत्ता कम होती जाती है। तो इसीलिए आप देख लीजिए हमारे देश के बहुत सारे जिलों में जहाँ पर हमने ज़्यादा नीचे से पानी सिंचाई का पानी निकाला है वहाँ पर सिंचाई जल की गुणवत्ता खराब हो गई है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं जो आपकी सिंचाई के पुराने तरीके हैं आप उनको बदल के नए तरीकों पर आइए, जल को संरक्षित कीजिए और इस संरक्षण से आप हर खेत को पानी लेके जाइए। दूसरा है जो हमारा है कि पर ड्राप मोर क्रॉप, पर ड्राप मोर क्रॉप जो स्लोगन है इसका मतलब है कि एक बूंद का प्रयोग करके हम ज़्यादा पैदावार कैसे लें। अगर मान लीजिए मेरी फसल की ज़रूरत पानी को आज है और मैं उसके लिए ट्यूबवेल 2 घंटा चलाऊं और मैं इसके बाद अपनी फसल को पानी 15 दिन बाद दूं तो मेरी फसल की पैदावार अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि मैं अपनी फसल को थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पानी दूं तो मेरी फसल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। मतलब फसल को उतना दूं जब ज़रूरत है और उस समय दूं जब ज़रूरत है। तो मतलब क्या है कि आपको उस समय पर ही जल उपलब्ध कराना है जब फसल को आपकी ज़रूरत है। इसके करने से अब आपको मैं बताऊं जिन किसानों ने ये जो ड्रिप या फव्वारा सिंचाई को अपनाया है उनकी पैदावार दो गुनी से ज़्यादा हो गई है। और दूसरा है उनको दिन में आपका खाली 1-1.5 घंटा ट्यूबवेल चलाना पड़ता है और 1-1.5 घंटे में उनकी जो सिंचाई की जल आवश्यकता है पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप परंपरागत तरीके से सिंचाई करते हैं तो आपको 8-10 घंटे आपको सिंचाई करने के लिए आपको जो अपने पंप हैं उनको चलाना पड़ता है। तो अगर आपसे 8-10 घंटे अगर आपके गांव में बिजली नहीं हुई तो आपकी सिंचाई पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप नए तरीकों पे जाएंगे तो अगर 1-1.5 घंटा आपके गांव में जब भी बिजली उपलब्ध है या आपके पास अपने इंजन है उनसे चलाना चाहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सही इस्तेमाल हो इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। किसान भाई इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र से पूरी जानकारी प्राप्त कर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसे कैसे लगाना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। आप जब ड्रिप या फव्वारा सिंचाई या तालाब बनाना या सब्जियों के पैदावार करने तो आपको सिस्टम कैसा लगाएं, आपकी फसल कौन सी अच्छी हो, फसल से 2 लाइनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 पौधों के बीच की दूरी कैसी हो, इसके बाद उस पौधे जो आपकी फसल लगाने के लिए आप प्लान कर रहे हैं उसकी सिंचाई का अंतराल कितना हो, सिंचाई कितनी देनी पड़े। आप इसके लिए जहाँ पर भी आपका गांव है या शहर है आपके पास KVK हो, हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICER का कोई इंस्टीट्यूट है आप वहाँ से संपर्क करिए या अपने राज्य सरकार के बागवानी विभाग या जो आपका कृषि विभाग है उनसे संपर्क करिए और आप इन पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त करिए। इन पर आप जब प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो आपको इन तकनीकों के बारे में भी जानकारी होगी और इनके साथ साथ आपको इन तकनीकों को लगाने के लिए कितना आपको अनुदान मिलेगा ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है जहाँ आज हम आपका ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो कि किसानों की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहता है। जो किसान भाई अगर हमारे पास भी ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए आना चाहें हम उनको कुछ भी आपको मान दें, कुछ भी आपको पैसा नहीं खर्च करना है, खाली आप हमें चिट्ठी के द्वारा या फ़ोन के द्वारा सूचित करें
आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग पाएं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, कौन कौन सी तकनीकियाँ आपके गांव में उपलब्ध हो जाएंगी, इस सब के बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत करनी चाहिए, ये आपका सही समय है। अगर आपने अभी शुरुआत नहीं करी तो बहुत समय निकल जाएगा और आप इन सब का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और जो हमारा एक उद्देश्य है, हर खेत को पानी एंड पर ड्राफ्ट मोर क्राफ्ट, इस सब उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे किसान भाइयों का आगे आना बहुत आवश्यक है। आप इस कार्यक्रम को जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं वो हमारे संपर्क कर सकते हैं और इन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए बनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कामयाब बनाएं। हर बूंद अधिक फसल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करें, देश को खुशहाल बनाएं। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/krishidarshantd, फेसबुक पर facebook.com/krishidarshantd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/krishidarshantd। भेजे हमें मेल krishidarshandd@gmail.com पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।